नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। दी लल्लन टॉप की टीम सुल्तान फिलहाल पहुंची हुई है मध्य प्रदेश के शहर सीधी। और जैसा हम लोग जब चुनावी कवरेज से निकले थे नोएडा से, तब हमने फेसबुक के साथ में कमिटमेंट किया था कि हम चुनावी कवरेज के साथ साथ लोगों के बीच में जाएंगे, उन्हें फेक न्यूज़ के बारे में बताएंगे, फेक न्यूज़ के बारे में जागरूक करेंगे। तो उसी किस्म की वर्कशॉप हम लोग सीधी में करने जा रहे हैं। हमारे साथ अभी आज जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो लोग सीधी के अरविंदो स्कूल जो है, अरविंदो सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसको कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स हैं और जिनके लिए मल्टीमीडिया मोबाइल आज के दौर में बहुत कॉमन चीज़ है इस उम्र के बच्चों के लिए। और दूसरी वहाँ के टीचर्स हैं जिनसे हम लगातार बात करना चाह रहे थे। तो ये नई पीढ़ी के लोग हैं, नई जनरेशन के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये मल्टीमीडिया मोबाइल से जो अभी के इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद में जो एक इन्फॉर्मेशन फ्लो है, जो इनके पास में बहुत सारी सूचनाएँ एक साथ आती हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं। कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? अच्छा, आप लोगों में से सब लोग व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह चलाते हैं ना? आप चलाते हैं? यस सर। क्या नाम है आपका? आशीष वर्मा। आप चलाते हैं? यस। आप सब लोग चलाते हैं? yes, है ना। और तो हम लोग जब थोड़ा सा आपको समझाने के लिहाज से बात करता हूँ, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, जब 90-95 के लगभग पहली बार इंटरनेट ना आम आदमी के लिए एक्सेसिबल हुआ था, तब एकेडमिया जो होता है ना, जो ऊपर से आपके लोग सिलेबस बना के भेजते हैं, जो पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं, प्रोफेसर्स जो होते हैं, जो समाज का कोई भी बदलता हुआ ट्रेंड होता है उसके बारे में बातचीत करते हैं, उसको समझते परखते हैं। तो ऐसे स्कॉलर्स ने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन का डेमोक्रेटाइजेशन है। इन्फॉर्मेशन का डेमोक्रेटाइजेशन कैसे? डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब होता है जनतांत्रिकरण या लोकतांत्रिकरण। लोकतांत्रिकरण कैसे? पहले हमारे यहाँ पर एक राजा होता था ना, और उसी की सब चलती थी। फिर हमारे यहाँ पे 1947 में आज़ादी आई, 1950 में हमारा संविधान लगा, तो हम एक लोकतंत्र हो गए। अब सरकार चुनने का अधिकार हर एक आदमी के पास था। उसी तरीके से जब इंटरनेट आम आदमी के लिए मैसर हुआ था, तो समय कहा गया कि ये इन्फॉर्मेशन का डेमोक्रेटाइजेशन है। मतलब इन्फॉर्मेशन जो है हर एक आम आदमी तक पहुंचेगी, और पहुंच भी रही है। हम 20 साल 25 साल में 30 साल में हम लोग देख रहे हैं कि 3 दशक के भीतर आदमी के हथेली में दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन है। आप एक क्लिक, यू आर जस्ट वन क्लिक अवे कि आप कुछ भी चीज़ अगर सर्च करना चाहें आप लोग सर्च कर सकते हैं ना। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। हम लोग जब पढ़ाई उड़ाई करते थे तो हमको बहुत किताबें बहुत जुगाड़ के रखनी होती थी। मतलब कई पीढ़ियां एक ही किताब से पढ़ती थी। सही बात है ना सर? आपने भी ऐसे ही पढ़ाई की, हमने भी ऐसे ही पढ़ाई की। जो ख़ास तौर पे जो सिलेबस के अलावा की जो किताबें हैं, जो कि हेल्पिंग है, जिसको हम लोग गाइड्स बोलते हैं, तो वो गाइड तो हमारे लिए ऐसे होती थी, नेमत होती थी कि मतलब एक पिछली बार जो भैया है उन्होंने पढ़ी, फिर हमने पढ़ी, फिर हमारे जो जूनियर्स हैं, जब तक सिलेबस नहीं चेंज हो जा रहा है उसी एक गाइड से पढ़ रहे हैं। अब आप लोगों के साथ में ऐसा नहीं, आपके पास में इन्फॉर्मेशन के बहुत सोर्सेज हैं, है ना। आप इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अपने सिलेबस के अलावा लगातार पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, है ना। तो ये हमको ये समझना पड़ेगा कि इसमें इन्फॉर्मेशन का फ्लो इतना ज़्यादा है कि हमारे सामने ये संकट बड़ा रहता है कि हम चीज़ें आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये सही या गलत है, है ना। क्या नाम है आपका? ऋचा अग्रवाल। ऋचा अग्रवाल, आपके पास व्हाट्सएप में तकरीबन ऑन एन एवरेज कितने मैसेज आ जाते हैं पर डे? पर डे 60-70 मैसेजेस आ जाते हैं। आपके पास में कितने, क्या नाम है? सैल कुमारी सोनकर। और हमारे पास लगभग 50 या 60 मैसेज। 60 मैसेजेस आ। उसके अलावा आप फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, तमाम तरीके के लिंक आपको फेसबुक दिखते हैं, फ़ोटो के साथ में तमाम तरीके की इन्फॉर्मेशन दिखती है ना। तो हम लोग इसको समझने से पहले बेसिक एक कुछ चीज़ें समझ लेते हैं ना। तो बेसिक कुछ चीज़ें जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आती हैं उनके मोटा मोटी 3 डायमेंशन होते हैं ना। तो 3 डायमेंशन थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग आपके लिए बहुत अच्छी एक प्रेजेंटेशन बनवा के लेके आए थे दिल्ली से, और वो प्रेजेंटेशन हम लोग आपको दिखाते हैं। 3 मोटा मोटी डायमेंशन होते हैं किसी इन्फॉर्मेशन के, या 3 सिरे होते हैं जिसके जरिए हम उस इन्फॉर्मेशन को पकड़ सकते हैं। पहला फैक्ट होता है ना, ऐसा इन्फॉर्मेशन जो अपने आप में सच है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वयं सिद्ध है। जैसे आज क्या तारीख है? आज 23rd ऑफ अप्रैल ना। और कौन सा है? आज ट्यूसडे। ट्यूसडे है ना। तो 23rd ऑफ अप्रैल 2019 को ट्यूसडे के फैक्ट कोई बदल नहीं सकता है, है ना। जैसे जिसको हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, जैसे सनराइजेज इन ईस्ट, है ना। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं, जो एब्सोल्यूट होते हैं अपने आप में, जो सेल्फ प्रूवन होते हैं,
वो फैक्ट होते हैं। दूसरा इन्फॉर्मेशन का दूसरा जो डायमेंशन होता है वो है ओपिनियन, जिसको कहते हैं हम लोग राय। राय कैसे हम लोग बनाते हैं? राय हम इस तरीके से बनाते हैं कि हम जीवन में जितने इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं वो हमारे जीवन में एक एरिया ऑफ एक्सपीरियंस बनाती है, हमको एक नज़रिया एक चश्मा देती है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया का इंटरप्रिटेशन करते हैं। जैसे कोई घटना हो रही है उसका इंटरप्रिटेशन हम किस आधार पर करेंगे? हमारे पास जो पहले की जो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में है ना, उसी के आधार पर करेंगे ना। हमको जब बचपन में हमको ये बताया गया ये हमारा मुल्क है, हमको इससे मोहब्बत करनी चाहिए, तो हमको ये लगता है कि अगर कोई आदमी इस मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है तो हमारा भी दुश्मन है ना। या कोई पड़ोसी देश हमारे देश में आतंकी हमले करवा रहा है तो वो भी हमारा दुश्मन है। तो ये हमको कैसे पता लगा? क्योंकि हमको ये इन्फॉर्मेशन बताई गई कि पड़ोसी देश के साथ में हमारी तीन जंग हुई है ना। इसी तरीके से हम ये समझते हैं कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरा भारत एक है। ये इन्फॉर्मेशन भी जब हमारे यहाँ पे कोई सेपरेटिस्ट आंदोलन खड़ा होता है, कोई लोग अपने अलग मुल्क की बात करते हैं, तो हमको ये लगता है गलत है, क्योंकि हमको ये इन्फॉर्मेशन दी गई पहले से जिसने हमारा एरिया ऑफ एक्सपीरियंस डेवलप किया कि पूरा भारत एक है ना। हम लोग बराबर गाना गाते रहे हैं गुवाहाटी से लेके जैसलमेर तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरा भारत गाने गाते हैं ना, हम लोग अपने गानों में भी खूब आता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन्स होती हैं जिसको हम कंज्यूम करते हैं वो बेसिकली हमारा नज़रिया बनाते हैं, हमारा देखने का तरीका बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ओपिनियन। वो बहुत क्लासिक उदाहरण है जो हम लोग बार बार सुनते हैं कि गिलास आधा भरा है कि गिलास आधा खाली है। माफ़ कीजिए, वो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ओपिनियंस हमारे क्रिएट करती हैं। तीसरा होता है रूमर या अफवाह, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका कोई सर पैर नहीं होता है ना, और वो तेज़ी से फैलती हैं। जैसे अभी मेरा चौथी क्लास में मेरा भतीजा पढ़ता है फोर्थ स्टैंडर्ड में, उसने मेरे को एक बड़ी दिलचस्प बात बताई कि शीशे के सामने खड़े होकर 7 बार अगर ब्लडी मैरी बोलोगे तो ब्लडी मैरी तुम्हारे सामने आ जाएगी। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन खूब आती है ना, मतलब। और सबसे ज़्यादा रिसीविंग एंड जो है वो ये जो टीनेज का समय है, जिनके पास में इतने सारे इन्फॉर्मेशन एक साथ में आ रही हैं लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है इस इन्फॉर्मेशन का करना क्या है। तो ये लोग इजीली मैनिपुलेट होते हैं, और आप लोग जो टीचर्स हैं ये लगातार अपनी ज़िंदगी में देखते रहते हैं। जब आप बच्चों के साथ में कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत बार आपको ये लगता है कि व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए इन लोगों के पास गलत इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है, जिससे ये गलत अपना एक एरिया ऑफ एक्सपीरियंस डेवलप कर रहे हैं, गलत राय कायम कर रहे हैं समाज के बारे में, देश के बारे में। दूसरी रूमर्स जो होती हैं वो इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन होती हैं, उनका एक खास चरित्र होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जब पैनिक की सिचुएशन होती है सोसाइटी में, किसी भी किस्म का पैनिक हो, समय ये बहुत तेज़ी से फैलती हैं। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस पूरे मॉडल्स ऑफ ब्रांडिंग को और तेज़ कर दिया है। पहले ये होता था कि मान लीजिए कोई रूमर फैल रही है तो एक माउथ टू माउथ होती थी ना उसकी पब्लिसिटी, एक आदमी दूसरे को बोलता था, फिर वो 4 को बोलता था, वो 6 बोलता, उसमें अच्छा खासा समय लगता था। तो उसके खिलाफ उसको रोकने के लिए भी जो लोग तत्पर थे उनके पास भी पर्याप्त समय होता था। अब आप एक क्लिक से हजारों आदमियों को एक रूमर भेज सकते हैं। तो इस वजह से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने की वजह से रूमर फैलने का जो प्रोसेस है वो कई ज़्यादा गुना, कई 100 गुना फास्ट हो गया है ना। तो ये 3 बड़े डायमेंशंस हैं जिसके ऊपर हम कोई भी इन्फॉर्मेशंस को देखते हैं, सोचते हैं, परखते हैं ना। अब हम आपको कुछ 5 स्टेटमेंट दिखाएंगे और उसके बारे में जानेंगे कि आपको इसके बारे में क्या लगता है ना। अच्छा, पहला स्टेटमेंट है दिल्ली उत्तर भारत में है ना। ये स्टेटमेंट आपको क्या लगता है कि ये फैक्ट है, ओपिनियन है या रूमर है? रूमर है। रूमर है। आपको क्या लगता है? ओपिनियन। ओपिनियन है। आपको क्या लगता है? रूमर है। रूमर है। दिल्ली उत्तर भारत में ये रूमर है? ओपिनियन। ओपिनियन है। आपको? ओपिनियन। ओपिनियन। देखिए, आप बेसिकली फिर से समझते हैं, ये थोड़ा सा मेरे कम्युनिकेट करने में दिक्कत आ रही है मेरे को लग रहा है ना। फैक्ट आपको समझ में आ गया क्या होता है? फैक्ट ऐसी चीज़ होती है जो सेल्फ प्रूवन होता है, अपने आप में पूरा होता है ना। समझ में आ गया ना फैक्ट क्या होता है? जैसे समझिए कि आज 24 तारीख को, 24 अप्रैल 2019 को बुधवार होगा, ये फैक्ट है या रूमर है या ओपिनियन? फैक्ट है। फैक्ट है ना, सेल्फ प्रूवन है। अच्छा, फिर हम लोग दूसरी चीज़ पे बात करते हैं। दरअसल हम लोग जब भी कोई ये बहुत साधारण सा जिसको क्या कहते हैं,
बहुत साधारण तरीके से समझने की बात है, जब कभी भी आप अपने जीवन में कोई भी प्रिंटेड नक्शा देखते हैं ना, कोई भी प्रिंटेड नक्शा, उसका ऊपरी जो सिरा होता है वो हमेशा नॉर्थ होता है, ये क्लियर है ना आप लोगों को? हाँ। और जो निचला सिरा होता है वो साउथ होता है, जो लेफ्ट वाला सिरा होता है वो वेस्ट होता है, और जो राइट वाला सिरा होता है वो, अब आप बताइए दिल्ली उत्तर भारत में है कि नहीं है? खड़े हुए आप? यस नो, खड़े हुए, यस यस। ये तो ये फैक्ट हुआ कि ओपिनियन हुआ कि रूमर हुआ? फैक्ट हुआ ना। हाँ, तो ये दिल्ली उत्तर भारत में है ये नक्शे में, क्योंकि हम जब नक्शा देखते हैं तो दिल्ली ऑलमोस्ट यहाँ पर है। तो जो भाई साहब जो रूमर बोल रहे थे उनको भी थोड़ा समझ लीजिए, तो ये रूमर नहीं है, है ना, ये फैक्ट है। बैठ जाइए। ये फैक्ट है कि दिल्ली जो है वो हमारे नक्शे में ऊपरी तरफ है, है ना। ये जम्मू कश्मीर हो गया, फिर पंजाब आ गया, फिर हिमाचल आ गया, फिर हरियाणा आ गया, फिर दिल्ली आ गया। ऑलमोस्ट हम जब यहाँ तक इसको नॉर्थ इंडिया मानते हैं। नीचे का पार्ट जो है, मध्य प्रदेश भी नॉर्थ इंडिया का ही हिस्सा है, नीचे का जो पार्ट है उसको साउथ इंडिया बोलते हैं। नॉर्थ इंडिया को हम जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, जो पत्रकार लोग हैं, काउ बेल्ट भी बोलते हैं, खैर वो अलग बहस है। बहरहाल, तो ये दिल्ली उत्तर भारत में एक फैक्ट है ना। दूसरा स्टेटमेंट आपको पढ़ाते हैं, दिल्ली और मुंबई भारत के दो शहर हैं, ये आपको क्या लगता है? ये फैक्ट है, ओपिनियन है, ये मतलब सच है या नज़रिया है या रूमर है, अफवाह है? सर फैक्ट होना चाहिए। फैक्ट है। हाँ, आपको क्या लगता है? फैक्ट है। फैक्ट है आपको? फैक्ट है सर। फैक्ट। आप लोगों को फैक्ट है, फैक्ट लग रहा है ना? बेहतर है, अब बेहतर है पहले से। हाँ, दिल्ली और मुंबई भारत के दो शहर हैं, ये फैक्ट है। हम लोग जानते हैं चार बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं, कौन कौन से हैं चार बड़े मेट्रो सिटीज़ भारत में? नहीं, दिल्ली मुंबई कलकत्ता चेन्नई, यही तो है ना चार? यस सर। है ना, हम लोग जब देखते हैं अक्सर दूरदर्शन वगैरह पे, टेलीविजन पे, इन्हीं चार शहरों के तापमान हमको बताए जाते हैं, क्योंकि ये चार बड़े शहर जो हैं पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। जब मसलन दिल्ली जो है नॉर्थ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, चेन्नई सदर्न इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, मुंबई जो है ये कोस्टल एरिया जो है इसको रिप्रेजेंट करता है, और कलकत्ता जो है ईस्टर्न इंडिया को रिप्रेजेंट करता है ना। तो हम लोग इसी तरीके से ये चार बड़े अर्बन सेंटर जो हैं इंडिया के, इनको इसीलिए मेट्रो सिटीज़ माना जाता है ना। तो दिल्ली और मुंबई भारत में दो शहर हैं, ये फैक्ट है। दिल्ली में बहुत शोर है, अब थोड़ा सा टीचर्स की तरफ चलते हैं, दिल्ली में बहुत शोर है, ये फैक्ट है या ओपिनियन है या रूमर है? ओपिनियन। ओपिनियन है। आपको क्या लगता है? ओपिनियन है। ओपिनियन है। आपको? फैक्ट। फैक्ट लगता है। आपको? फैक्ट सर। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, अपने न्यूज़ अपने एग्जाम में जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, मेरे को लग रहा है आप लोग इधर देख नहीं पा रहे हैं ना थोड़ा, तो मैं थोड़ा सा इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ। ये अब सबको दिखाई दे रहा है ना? ये आप लोग तो इस समस्या से रोज दो चार होते हैं ना, कि बड़े बच्चे आगे बैठ जाते हैं, छोटे पीछे बैठ जाते हैं, फिर वो कहते हैं हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, तो मेरे साथ पहली बार हो रहा है। हाँ, तो दिल्ली में बहुत शोर है, ये एक तरीके का ओपिनियन है। ये इस चीज़ पे निर्भर करता है आप दिल्ली के किस इलाके में जाते हैं, दिल्ली के किस इलाके में आपका रहना है, साबका पड़ता है आपका बार बार। आप मान लीजिए लुटियंस जोन में रहते हैं, या किसी पॉश कॉलोनी में रहते हैं, या पॉश कॉलोनी में आपका आना जाना है, तो आपको ये लगता है कि दिल्ली में बहुत शांति है। और आप मान लीजिए नोएडा में या चांदनी चौक में, आज़ादपुर मंडी में, ऐसी बहुत भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं, तो आपको लगेगा कि बहुत शोर है। तो ये आपके जो एरिया ऑफ एक्सपीरियंस है, जो आप जो इन्फॉर्मेशन आप अपने कंज्यूम कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपना इंटरप्रिटेशन करेंगी, है ना। मुंबई एक बहुत छोटा शहर है, ये आपको क्या लगता है कि ये फैक्ट है, ओपिनियन है या रूमर है? रूमर। रूमर है। अच्छा, आपको? रूमर। रूमर। रूमर ही। बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को टीचर से क्वेश्चन पूछ के, वैसे पता जिंदगी में जवाब ही देता आया हूँ। बहरहाल, ये ओपिनियन है, ये फिर वही वैसा ही है कि हम लोग दुनिया में कितने शहर, किस तरीके के शहर हम लोगों ने देखे हैं। मान लीजिए हमने सिडनी देखा है, हमने सिंगापुर देखा है,
और हमने और बड़े न्यूयॉर्क न्यू जर्सी देखा है, बड़े शहर देखे हैं, बड़ी जगहें देखी हैं, तो हमको ये लगेगा कि मुंबई छोटा शहर है। अगर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, सीधी से जा रहे हैं, छिंदवाड़ा से जा रहे हैं, जबलपुर रीवा सतना से जा रहे हैं, तो हमको ये लगेगा कि मुंबई बहुत बड़ा शहर है। तो ये इंटरप्रिटेशन वाली बात है। इसको थोड़ा सा और कायदे से अगर अपने को समझना हो, है ना, तो ये हम आपको दो डायग्राम दिखाते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी कम क्लियर हुई हैं ना। तो ये हमारे पास में दो डायग्राम्स हैं, ये मज़ेदार डायग्राम है। आप इसको थोड़ा सा एक सेकंड में घुमा के दिखा देता हूँ, और ये हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। हाँ, आप इस डायग्राम को थोड़ा सा कायदे से देखिए सब लोग, दो मिनट का टाइम है, अच्छे से, है ना। ये आप लोग भी इसको थोड़ा सा मैं ढंग से दिखा देता हूँ, सब लोग देख पा रहे हैं ये डायग्राम, है ना, आप भी देख पा रहे हैं। हाँ, आप लोगों ने भी देखा। अब इसमें से ये कितने लोगों को ये डायग्राम जो है वो बतख नज़र आ रहा है, एक बार हाथ खड़े करें, सच सच ईमानदारी से खड़े करें, कुछ भी उसमें वो नहीं। अच्छा, इतने लोगों को बतख नज़र आ रहा है, कितने लोगों को खरगोश नज़र आ रहा है, दोनों नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों को दोनों नज़र आ रहे हैं, कुछ में बतख नज़र आ रहा है, कुछ को खरगोश नज़र आ रहा है। ये देखिए, अगर आप इसको इस सिरे से देखेंगे तो ये आपको बतख नज़र आएगा, और अगर आपको इस सिरे से देखेंगे आपको खरगोश नज़र आएगा, है ना। ये होता है ओपिनियन, एक ही चीज़ को देखने के अलग अलग तरीके, है ना, समझ में आ गया ये आपको। थोड़ा सा एक डायग्राम हम आपको और दिखाते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर हो पाएगा। ये डायग्राम, ये आप सब लोग देख लीजिए एक बार, देखा आप लोगों ने, आपको क्या नजर आ रहा है इसमें? राजा रानी नजर आ रहा है आपको, दो पर्सन, दो लोगों का चेहरा नजर आपको, एक लड़की एक लड़का। अच्छा, आप में से, आप भी थोड़ा सा इसको कायदे से देख लीजिए, आप में से कितने लोगों को ये दो चेहरे नजर आ रहे हैं, एक बार थोड़ा सा हाथ खड़ा करिए, तो दो चेहरे कितने लोगों को नजर आ रहे हैं, खड़ा करिए, मतलब हाँ, दो परछाई, दो चेहरे कितने लोगों को नजर आ रहे हैं आपको? नहीं नजर आ रहे हैं दो चेहरे, हाँ, आपको भी दो चेहरे नजर आ रहे हैं ना। लीजिए सर, इन सुशील जी को भी दो चेहरे नजर आ रहे हैं, आप लोगों को नहीं आ रहे हैं? तो हाथ खड़े करिए। अच्छा, जिन लोगों को इसमें एक फूलदान नजर आ रहा है वो कोई ऐसा है यहाँ पे? बहादुर, अच्छा आप हैं, बेहतर कैमरा उधर जूम करिएगा, हाथ खड़ा करिए, है ना, आप हाथ खड़ा करिए एक बार। ये मेरे को लगता है बहुत रेयर पॉसिबिलिटीज़ ऐसी होती हैं कि लोगों को पहले नज़र में ये पता लग जाए। ये जो हमारा डार्कर साइड है जिसमें चेहरे बने हुए हैं, अगर आप इनको छोड़ के जो बीच में वाइट हिस्सा है सिर्फ उसके ऊपर फोकस करेंगे तो ये आपको फूलदान नज़र आएगा, है ना, आ रहा है नज़र में अब? ये ओपिनियन होता है, ये अपना नज़रिया होता है, चीज़ों को देखने का तरीका होता है। अब मेरे को लगता है कि क्लियर हो गई हैं चीज़ें, है ना। और रूमर को क्लियर करने के लिए अपने पास में एक बहुत अच्छी चाबी है जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि रूमर क्या है। नोटबंदी जब हुई थी इस देश में, थोड़ा पैनिक का टाइम था, तो ये फ़ोटो हमारे पास में ज़रूर आई थी सबके पास में, 2000 के नोट में चिप है, आई थी ना सबके पास में, आप लोगों के पास में भी आई थी, कुछ लोगों ने टटोल के देखा भी ऊपर नीचे करके कि कहीं चिप तो नहीं है। और आप लोगों के अलावा हमारे जो हम पेशा लोग हैं, जो पत्रकार लोग हैं, वो भी इसमें बहुत धोखा खा गए थे इस पूरे के पूरे रूमर में, क्योंकि बहुत पैनिक की सिचुएशन थी, आदमी के हाथ में कैश बचा नहीं था, और वैसे में जो कुछ भी हमारे पास में आ रहा था वो कंज्यूम कर रहे थे, है ना। नियम भी इतनी तेज़ी से बदल रहे थे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। इसको कहते हैं पैनिक की सिचुएशन, तनाव की स्थिति जिसमें रूमर सबसे ज़्यादा फैलती हैं। तो आप लोगों को रूमर, फैक्ट और ओपिनियन में क्लियर है सारी चीज़ें? किसको नहीं है एक बार बता सकते हैं, मैं फिर और क्लियर कर दूंगा। सबको क्लियर है? चलिए, तो ये तीन तरीके हुए इन्फॉर्मेशन देखने के। फेक न्यूज़ जो होती हैं वो बेसिकली रूमर्स होती हैं, जिनको हम फेक न्यूज़ कहते हैं।
अब उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन का इतना फ्लो है एक साथ में, मेरे पास में 300 से 400 मैसेजेस आते हैं डेली, आप लोगों के पास किसी के पास 100 आते हैं, किसी के लिए 50 आते हैं, किसी के 200 आते हैं, जैसे आपकी सोशल कनेक्टिविटी है। फेसबुक पे हम लोग खूब सारे वो देखते हैं, लिंक्स देखते हैं, तो उनको हम लोग कैसे पकड़ें, कैसे समझें कि ये सही है कि नहीं है। आप लोग हाथ खड़ा करिए, किस किस के पास में फेक न्यूज़ आए थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? आकांक्षा गुप्ता। आकांक्षा जी, क्या फेक न्यूज़ आई है आपके पास में? इसमें न्यूज़ आई हुई है कि मतलब कि इसमें मतलब कि एक जन है, एक व्यक्ति है कोई, उसने बोला है कि मेरे भतीजे की आँख मतलब कि पैदा हुआ तो उनकी उसकी आँख नहीं है, तो इसमें बोला गया है कि इस पर आप इतने लाइक कीजिए तो मेरे को 50 रुपये मिलेंगे, कमेंट कीजिए तो 1 रुपीज़ मिलेगा, तो क्या ये सच है? ये आपके पास में ये मैसेज आया है, और आप इधर कोई बता रहे थे सज्जन, हाँ, क्या नाम है आपका? प्रियांशु मिश्रा। प्रियांशु जी, आपके पास में क्या आया है? मेरे पास व्हाट्सएप में मैसेज आया, जो इसमें AK मित्तल IPS ऑफिसर कमिश्नर दिल्ली के, उसमें से आया गया, ये इसमें लिखा गया है, जिस किसी की भी व्हाट्सएप में प्रोफाइल फ़ोटो खुद की हो, जल्द से जल्द बदल दो, क्योंकि व्हाट्सएप में ISIS आपके आतंकी गतिविधियों के लिए और कुछ ऐसे हैकर हैं आए हैं जिनके पास आपका व्हाट्सएप नंबर है, वो लोग उस प्रोफाइल फ़ोटो का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट्सएप के CEO ने सलाह दी है कि अगले 20-25 दिन तक खुद की प्रोफाइल फ़ोटो ना रखें। व्हाट्सएप के इंजीनियर आपको सेव के लिए आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें। इसमें मेरे को पता करना है सर कि ये फेक है या नहीं है? नहीं, हाँ। अच्छा, ये आपके पास में मैसेज आया है कि इस व्हाट्सएप मैसेज में कहना है कि जिस किसी की भी फेस व्हाट्सएप पे DP या डिस्प्ले पिक्चर उनके खुद की लगी हुई, वो हटा लें, क्यों ISIS के जो आतंकी हैं वो इसका इस्तेमाल कर लेंगे अपने लिए, अपने पक्ष में, है ना। इसके नीचे नंबर दिया गया है AK मित्तल का, एक नंबर भी दिया गया है, कमिश्नर ऑफ दिल्ली लिखा गया है, तो ये थोड़ा सा आप जानना चाह रहे हैं कि ये सही है कि नहीं। यस सर। चलिए, और किसी के पास आपने आप में से और किसी के पास में आई हूँ फेक न्यूज़? अच्छा जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रभा पांडे है। मेरे पास एक न्यूज़ आया था, यहाँ पे मतलब अहमदाबाद की ये न्यूज़ है, यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ की न्यूज़ है। यहाँ पे ये दिखाया गया है, इसमें जो स्टोरी बताई गई है उस पर वाइफ का वजन रहता है 128 किलो का। यहाँ पे ये न्यूज़ में दिखाया गया है कि 128 किलो की वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर गिर जाती है, जिनसे उनकी वजह से उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। तो सर, मुझे ये जानना है कि ये फेक न्यूज़ मतलब रियल है या? इनके पास में अहमदाबाद की एक महिला की न्यूज़ आई, जो काफ़ी वजनदार थी, 128 किलो, मेरे ही जैसी, और वो अपने पति पे गिर गई और उसकी वजह से उनके पति की मौत हो गई। तो इनका ये जानना है, ये जानना चाहते हैं कि ये सच है कि नहीं है। चलिए, हम लोग हमारा एक पूरा ललन टॉप का एक सेक्शन चलता है पड़ताल, हम अपने पड़ताल के साथियों को ये खबर भेजेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये सही है कि नहीं, आपको जल्द ही इसके बारे में पता लग जाएगा। तो इसके लिए हम आपके लिए कुछ टिप्स लेके आए हैं, तो वो टिप्स हम आपको बताते हैं कि कैसे हम उसको समझ सकते हैं, परख सकते हैं ना। तो पहला टिप है कि आप जो भी आपके पास में लिंक आ रहा है खबर का, उसका हेडलाइन थोड़ा सा उसको कायदे से पढ़िए। होता क्या है, हम अक्सर जल्दबाजी में हेडलाइन को ढंग से पढ़ते नहीं हैं और अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं ना। जैसे एक्वा की स्पेलिंग जो होती है वो कुछ और होती है, हाँ, और एक जगह मैंने कल देखा AKVA एक्वा, हाँ, अब वो मैं उसको कभी एक्वा पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरे दिमाग में एक्वा की जो स्पेलिंग है वो कुछ और है, मतलब, और एक्वा जो ये लिखा हुआ है ये मेरे लिए एक्वा हो नहीं सकता, तो मतलब मैं उसको क्या पढ़ूंगा, AKVA। और बाद में जब मैंने उसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ा तो उसको समझ में आया कि ये एक्वा लिखा गया अलग तरीके से, है ना। उसी तरीके से हम जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक जगह मैंने कल परसों में पढ़ा था हीरा लाल हलवाई, तो मैं हीरा लाल हलवाई नहीं पढ़वाया, उसको हीरा लाल हवाई पढ़ गया, है ना। तो फिर मैं सोचता रहा ये क्या लिखा हुआ, तब मैंने थोड़ा गौर से देखा, क्योंकि हमारा दिमाग इसी तरीके से काम करता है, वो हम जब जल्दबाजी में कोई चीज़ें पढ़ते हैं तो वो 1, 2, 4, 5 जो है, आप गौर करिएगा इस चीज़ को, कैरेक्टर्स 2-4 अल्फ़ाबेट जो है उनको आइडेंटिफाई करके, जो हमारे दिमाग में पहले से इन्फॉर्मेशन होती है, अच्छा ये स्पेलिंग APPLE जो है वो एप्पल होता है, तो APPL अपन जब देखते हैं तो अपन ऑटोमेटिकली अपने पास में आ जाता है, वो वर्ड जो है वो पॉपअप हो जाता है कि अच्छा ये एप्पल है, तो हम उसको इस तरीके से तेज़ी से पढ़ते हैं पढ़ने की प्रक्रिया में।
दूसरी चीज़, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई हेडलाइन जो होती है उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में इन्फॉर्मेशन आई कि श्री अरविंद हाई सेकेंडरी स्कूल की फीस बढ़ सकती है या बढ़ेगी फीस क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब ये है कि जर्नलिस्ट के पास में कुछ इनपुट है कि हो सकता है कि इस बार से फीस बढ़ा दें, है ना, हो सकता है कि ना बढ़ाएं, तो इस तरीके की इनपुट है, या पेरेंट्स टीचर जो कमिटी होती है उसमें डिसाइड किया है कि फीस हम बढ़ाएंगे, तो ऐसा अगर इनके पास में इनपुट आ रहा है वो हम लोग आपको खबर देते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि ये संदेह की चीज़ है, अभी इसमें कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन कई बार होता है कि लोग जो हैं उस क्वेश्चन मार्क को नहीं देखते हैं, उसको इंटरप्रेट कायदे से नहीं करते हैं, तो वो उसको सही फैक्ट मान लेते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि आप हेडलाइन थोड़ा सा जम के पढ़ें, एक सेकंड का समय दें अगर आपको वो हेडलाइन काम की लग रही है कि ये हेडलाइन में कहना क्या चाह रहा है। दूसरी चीज़, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करें तो उस हेडलाइन के साथ साथ उस लिंक को भी खोल के देखें कि अंदर लिखा हुआ क्या है ना। तो ट्रिकी जो हेडलाइन होती है उसमें फंस के आप गलत इन्फॉर्मेशन का शिकार नहीं होंगे, है ना। दूसरा चीज़ होता ये है कि बहुत सारे URLs की पायरेसीज होती है ना, कि बहुत सारे जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन सबसे बढ़िया सोर्सेज जो होते हैं, जो हमारे दिमाग में रिलायबल सोर्सेज हैं, जैसे आज तक है, BBC है, नई दुनिया है, दैनिक भास्कर है, है ना, जो ऐसे मीडिया संस्थान हैं जैसे PIB है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, या प्रधानमंत्री का ऑफिस है, PM ऑफिस है ना, जिनके बारे में हमको ये लगता है कि इनकी इन्फॉर्मेशन जो होगी ऑथेंटिक होगी, विश्वसनीय होगी, है ना। इंटरप्रटेशन सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन बेसिक इनपुट अगर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री ने किसी सभा में कुछ कहा, मान लीजिए कुछ भी एक बयान है, तो कोई भी जो स्थापित मीडिया चैनल है या मीडिया संस्थान है उस बयान में छेड़छाड़ नहीं करेगा, उसके उस बयान के अपने अपने इंटरप्रटेशन हो सकते हैं, वो लिखने वाले के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन बयानातों का जो मिस इंटरप्रटेशन नहीं होता है, ऐसे जैसे BBC की एक विश्वसनीयता है, आज तक की एक विश्वसनीयता है, आप लोग भी बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, यहाँ पर भी स्थानीय स्तर पर भी खूब सारे विश्वसनीय चैनल होंगे जिनके इन्फॉर्मेशन आप लोग देखते हैं। होता ये कि फेक न्यूज़ फैलाने वाले लोग क्या करते हैं कि उन इन्फॉर्मेशन उन जो URLs होते हैं, URL आप समझते हैं ना, तो www.aajtak.com.in है ना, www.lalan.com ऐसा लिखा हुआ आता है ना, तो ये जो URLs होते हैं इनके साथ में खूब भर के छेड़छाड़ होती है, खूब भर के छेड़छाड़ होती है, मतलब जैसे आज तक का URL है aajtak.in है ना, उसके जगह पे आपको जो URL दिया जा रहा है वो है aajtak.in, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट बदलने से वो URL तो यूनिक हो गया लेकिन वो इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है वो रिलायबल नहीं रहा। अब उसमें लेआउट भी होगा, उसका लोगो भी होगा, आज तक जैसा ही होगा, सारी चीज़ें आज तक जैसी होंगी, लेकिन वो ऑथराइज्ड नहीं, पेज नहीं है, ऑथराइज्ड पेपर नहीं है, तो इस वजह से आप थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज हैं, आप लोग किसी भी अकाउंट को ऑथराइज्ड कैसे मानते हैं फेसबुक पे, कि जैसे मान लीजिए कि सलमान खान का अकाउंट है फेसबुक का, तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि यही सलमान खान का अकाउंट है? सर कुछ आइडिया है? जब अंदर खोलेंगे फिर इन्फॉर्मेशन जो उसके अंदर रहेंगे, नहीं, देखते ही कोई बता सकता है कि ये सलमान खान का अकाउंट है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? वेरीफाइड लिखा होता है, ब्लू टिक होता है एक साथ में, है ना, तो इसका मतलब ये अकाउंट जो है उसका वेरिफिकेशन हो गया है, उसी आदमी का अकाउंट है जिस आदमी का अकाउंट होने का दावा किया जा रहा है। तो वेरीफाइड पेजेस से, वेरीफाइड जगहों से इन्फॉर्मेशन लें तो वो इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि URL में जो खेल होते हैं, तो URL जो आपके पास में आ रहा है या जिस URL का होने का दावा किया जा रहा है, जैसे BBC भारत एक वेबसाइट खूब चली थी जिसे खूब सारी फेक न्यूज़ फैलाई थी, लेकिन वो BBC की विश्वसनीयता का इस्तेमाल करते थे, तो उस URL को थोड़ा सा कायदे से पढ़ेंगे, आपके पास में जो भी अब इन्फॉर्मेशन आती है जिस भी लिंक से आती है, तो आप ये देखिए कि क्या ये क्रेडिबल सोर्सेज हैं, और क्या जिस खबर में जो दावे किए जा रहे हैं वो क्रेडिबल सोर्सेज से किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं ना। कि मान लीजिए कि आपके यहाँ पे स्कूल की एक दिन की छुट्टी घोषित हो गई,
तो अगली खबर में ये लिखेगा ना कि सीधी के कलेक्टर फलाने 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 ने कहा है कि बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ठंड पड़ रही है, या ये लोक देवता का त्यौहार है इस वजह से, या ये राष्ट्रीय शोक है, राष्ट्रीय पर्व है, इसकी वजह से हम एक दिन का अवकाश जो है घोषित करते हैं। तो वो पूरा उसमें कलेक्टर का नाम रहेगा, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो आप थोड़ा सा उसको चेक कर लीजिए URL को, कि URL कितना सही है, कितना सटीक है, कितना जिस सोर्स का ये क्लेम कर रहा है, मान लीजिए आज तक का या BBC का, तो वो ओरिजिनल वेबसाइट है कि नहीं है, उसके वेरीफाइड पेज पे ये आर्टिकल लगा हुआ है कि नहीं है, है ना। इन्वेस्टिगेट द सोर्स, अब मैंने आपको बता ही दिया। चौथा है कि अनयूजुअल फॉर्मेशन, आप देखिए बहुत बार होता ये है कि हमारे पास में अखबार की क्लिपिंग्स आती हैं, क्लिपिंग्स आती हैं ना, कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, 5 लोग मरे, अखबार में जो छपा होता है पन्ना उसी की फ़ोटो खींच के भेज देते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है आज के टाइम में। उनको थोड़ा सा चेक करिए, अगर आपको पढ़ने में वो इन्फॉर्मेशन उसके फॉर्मेटिंग में कुछ गड़बड़ लग रही है, कि वो लाइन ऊपर नीचे है या कुछ मतलब इरेज किया गया है, साफ़ किया गया है, तो आपको देखने से समझ में आ जाएगा। तो आप उसको वेरीफाई कर लीजिए दूसरे सोर्सेज से, आप इंटरनेट पे जाइए, सर्च करिए वो इन्फॉर्मेशन कहीं दूसरी जगह पब्लिश हुई है कि नहीं है, दूसरे जो रिलायबल सोर्सेज हैं वो इसी इन्फॉर्मेशन का दावा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ना। तो ये चौथी टिप है हमारी तरफ से। और जो इमेज आपके पास में आ रही है उसको, इमेज को देखिए कि इमेज और कहाँ पे इंटरनेट में किस नाम से, किस तरीके से इस्तेमाल हुई है, ना। मान लीजिए कि आपके पास में एक इन्फॉर्मेशन आई एक फ़ोटो की, कि आपके कोई टीचर हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है ना, आप परेशान हो गए कि हमारे टीचर, क्लास टीचर का एक्सीडेंट हो गया, बहुत आती है ना ऐसे लोकल व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो उस इमेज को वेरीफाई करने के लिए उस इमेज का रिवर्स चेक कर लीजिए गूगल पे, या वो खबर गूगल पे चेक कर लीजिए जो उस फोटो के साथ में दावा किया जा रहा है, कि मान लीजिए कि श्री अरविंदो स्कूल के फलाने फलाने टीचर का फलानी फलानी जगह पे एक्सीडेंट हो गया है, तो वो एक जगह नहीं, वो कई जगह छपेगी ना वो इन्फॉर्मेशन, तो आपके व्हाट्सएप के आने के अलावा वो कहीं और भी आई हुई होगी, तो उसको एक थोड़ा सा वेरीफाई कर लेंगे, है ना। तो ये चौथा तरीका है। पांचवा और सबसे खास बात ये होती है कि मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है, और इसमें हम लोग भी बहुत बार धोखा खा चुके हैं, हम अखबार जो पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं अखबार में, हेडलाइंस देखते हैं सबसे पहले, ये नींबू पानी वाला टाइम देखें, डेट भी देखते हैं, डेट देखते हैं, एग्जैक्टली। हम न्यूज़पेपर में सबसे पहले जो देखते हैं खोलते ही, अब आप लोगों का न्यूज़पेपर पढ़ने की कितनी आदत रही है नहीं रही है, हम लोग जब आपके उम्र में थे तो हम सुबह स्कूल जाने से पहले एक बार न्यूज़पेपर जरूर पलट के देखते थे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और शायद उसी वजह से मैं इस पेशे में आ गया। बहरहाल न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे सटीक तरीका जो होता है, सबसे पहले हम उस न्यूज़पेपर की डेट देखते हैं कि किस डेट का है, किस डेट की खबर क्लेम कर रहा है। अब होता यह है कि हमारे पास में हमने जो अभी तक पैरामीटर सीखे थे कि उसका URL दुरुस्त हो, वो एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन सोर्स हो, है ना, ये दोनों चीज़ें होने के बावजूद, उसकी फ़ोटो करेक्ट हो, ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद हमारे साथ एक और तरीके से धोखा हो सकता है, वो इस तरीके से कि मान लीजिए 2013 में सीधी में कोई बाढ़ आई और यहाँ पे 4 बच्चे बह गए, समझिए डैम में, है ना। अब ये खबर 2013 की है, सही खबर है, सही लोगों के साथ ये इंसिडेंट हुआ है, और सही मीडिया संस्थान ने, आज तक ने, दैनिक भास्कर ने, नई दुनिया ने, किसी ने इसको पब्लिश किया, जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी है समाज में, है ना। लेकिन वो 2013 का इंसिडेंट है। अब कोई बदमाशी करने के लिए, मान लीजिए आपके यहाँ पे अभी बाढ़ आई या बारिश हो रही थी, उस समय उस खबर को वापस रीसर्फेस कर देगा, रीसर्कुलेट कर देगा। तो अगर आप डेट नहीं देखेंगे उसकी कि वो कब की घटना है, कब का इंसिडेंट है, क्योंकि जब हम इंटरनेट पे कोई भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उसके ऊपर ही ऊपर डेट आती है। अगर वो खबर अपडेट होती है तो उस पर लिखा हुआ आता है लास्ट अपडेटेड ये बजे ये दिन, है ना, मिनट और सेकंड तक भी आता है कि किस मिनट किस सेकंड ये अपडेट की गई है ना। तो सबसे पहले कोई भी अगर आप URL खोलें तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले उसका URL चेक करेंगे, फिर उसके बाद नीचे आएंगे उसका डेट देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि वो जो सूचना क्लेम कर रहा है वो किसी रिलायबल सोर्सेज से कर रहा है या अपने मन से ही कर रहा है, सूत्रों के हवाले से कर रहा है ना। फिर अगर अपने को उस इन्फॉर्मेशन पे थोड़ा संदेह है तो हम उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे इंटरनेट पे जाके, है ना। तो ये 4-5 तरीके हैं, बहुत साधारण तरीके हैं, जिसके जरिए हम फेक न्यूज़ को थोड़ा सा
पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये सच है या नहीं है। अब अच्छा, हम आप लोगों को लगातार ये क्यों समझा रहे हैं कि आप लोगों को ऐसा करना चाहिए। दरअसल दिक्कत ये है कि हमारे देश में इंटरनेट जो साइबर लिटरेसी है, जो साइबर साक्षरता है, उसके हालत बहुत ख़राब हैं। मेरे को याद है कि मैं जब छोटा था, चौथी पांचवी क्लास में, तो उस समय हमारे यहाँ पे ये पन्ने छपते थे ऐसे कि धनबाद के एक रिक्शा चालक ने ये पन्ने 100 पन्ने छपाए, उसको गड़ा हुआ धन निकल गया। आते थे ना आप लोग भी उसी समय, आप लोगों के पास भी आए होंगे ऐसे। और ये एक सेठ था, उसने ये पन्ना जो है माता का ये पन्ना फड़वा दिया तो उसके बेटे की मौत हो गई। तो इस तरीके के रूमर्स खूब आते थे। अब ये व्हाट्सएप पे आने लगे और खूब आते हैं कि इस मैसेज को 11 ग्रुप में भेजिए, आपके साथ कुछ भला होगा, कुछ खुशखबरी मिलेगी, है ना, चमत्कार दिखेगा। ये मैसेज तिरुपति बालाजी से आया है, ये मैसेज वैष्णो देवी से आया है, या हाजी अली दरगाह से आया। इस तरीके के होते हैं ना हमारे पास में खूब इन्फॉर्मेशंस। तो ये इन्फॉर्मेशंस जो हैं, ये क्या करते हैं, एक तरीके से सोसाइटी में मिसगाइड करते हैं लोगों को। उनका उनके पास में जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है वो इतनी झूठ पहुंच रही है कि वो अपने दिमाग में दुनिया के अजीब ही किस्म के आइडिया और अजीब ही किस्म का खाका लेके बैठे हुए हैं, जो कि सच्चाई में धरातल में वैसा है नहीं। और ये इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन की बम्बार्डिंग अभी खूब हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में दो चीज़ें आप ध्यान रखिए कि जो आप अपने दोस्तों के साथ में व्यवहार करते हैं और जो आपका सोशल मीडिया पर व्यवहार है ना, जो साइबर आपका व्यवहार है, उन दोनों में बहुत फ़र्क देखने को मिलता है। मतलब होता ये है कि आप जब आपस में मिलते हैं तो आप बड़े आसानी से बातचीत करते हैं, चाय पीते हैं, एक दूसरे को कम से कम गाली नहीं देते हैं, चाहे आपके मत कैसे भी हों, किसी भी राजनीतिक या सांस्कृतिक या धार्मिक वर्गों से आप आते हों, आपके सोचने समझने का तरीका चाहे जो भी हो, आप एक दूसरे को गाली नहीं देते ना। जनरली आप कायदे से मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, ये जानते हुए भी ये विरोधी पक्ष का आदमी है या इसकी विचारधारा आपके साथ में मेल नहीं खाती है। तो हमारे यहाँ पे हिंदी में एक बहुत बढ़िया शब्द है उसके लिए, मतभेद। तो अक्सर ये कहा जाता है कि मतभेद जो होता है ना, मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियाज़ आपके पास में भले हों लेकिन आपके मन में भेद नहीं होना चाहिए, मतलब एक दूसरे को लेके कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, जो कि जनरली नहीं होती। आप लोग, हम लोग मिलते हैं, बहुत सारे तरीके के राजनीतिक तरीके के लोग भी आपस में मिलते हैं, हम लोग देखते हैं शाम को बैठ के एक ही साथ में अड्डेबाजी करते हैं, सुबह एक दूसरे को ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे होते हैं ना। तो ये साइबर बिहेवियर में भी आपके दिखना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत एग्रेसिवली अपने विचारधारा की, अपने मत की, अपने धर्म की, अपने जात की कैंपेन में लगे रहते हैं, और जो दूसरे जो उनके डिसेंट ओपिनियंस हैं, जो अलग उनसे अलहदा जो राय रखने वाले लोग हैं, उनको खूब गाली गलौज करते हैं, और ये सब तरफ चल रहा है ना। तो इसमें आप ये समझिए कि साइबर बिहेवियर जो है आपका, वो कई लोगों को एक साथ प्रभावित करता है ना। आप मान लीजिए आपने अकेले में, आपका क्या नाम है, हरे कृष्ण में से आपका प्रियांशु, मान लिया हरे कृष्ण ने प्रियांशु को एक अकेले में या कहीं फील्ड पे गाली गलौज की, बैठ जाइए, है ना। तो वो इनके बीच का मसला या इनके चार आसपास के लोग जो हैं उसको देख रहे हैं। अगर हरे कृष्ण प्रियांशु को फेसबुक पे गाली दे रहे हैं तो संभावना है कि उसको 10 लाख आदमी भी देख लें, है ना। जैसे जिसकी फेसबुक प्रोफाइल की रीच हो, 5000 आदमी, कम से कम 500 आदमी तो हर आदमी के साथ साथ देख ही रहा है। तो उससे क्या होता है कि समाज का जो एटमॉस्फियर है, जो ताना बाना है, वो लगातार बिगड़ता चला जा रहा है। हमारे बिहेवियर में वो चीज़ें आती चली जा रही हैं। और आप लोग, क्योंकि आपके पास में, हम लोग जब पैदा हुए थे हमारे पास में फ़ोन तक नहीं था, हम तो चिट्ठियां लिखने वाले दौर में पैदा हुए, शायद मैं वो आखिरी पीढ़ी हूँ जिसने खत लिखे हैं। आप लोग कभी, आप लोग टेक्स्ट मैसेजेस में पैदा हुए और आप लोग अभी व्हाट्सएप और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। बहरहाल, तो आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में जब वो बूम पे था, इतिहास में हम लोग देखेंगे तो आपकी पीढ़ी जो 90 के बाद पैदा हुई है, 95 के बाद में खास तौर पे, वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बूम में बड़ी हो रही थी, है ना, खूब इन्फॉर्मेशन जब आ रही थी। तो आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि आपका साइबर बिहेवियर जो है वो आपके ओरिजिनल बिहेवियर जैसा ही हो, मतलब उतना ही डिसेंट, मतलब उतना ही डिसेंट हो, उतना ही आपका गरिमापूर्ण व्यवहार दूसरों के साथ जैसा आप करते हैं वैसा ही उसमें हो। क्योंकि होता ये है अक्सर कि हम लोग गलत इन्फॉर्मेशन जैसे ही सर्कुलेट करते रहते हैं, बिना क्रॉस चेक किए, बिना ये किए, तो उसे अंततः हमारे ही सोसाइटी को
घाटा पहुंचता है, उसका फैब्रिक जो, उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिसमेंटल होने का खतरा लगातार बना रहता है। तो हम लोग आपके पास में इसीलिए वर्कशॉप करने आए थे कि आइंदा से जो भी आप कोई इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करें, अपने साथियों को भेजें, तो उसमें एक तो ध्यान रखिए कि आपके पास में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है क्या वो फॉरवर्डेड इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। व्हाट्सएप का जो मैसेज आता है उसमें लिखा होता है फॉरवर्डेड, तो इसका मतलब है उसके पास में भी कहीं और से ही हुए, उसका जनरेट किया हुआ कंटेंट नहीं है, उसकी बात नहीं है ना। तो रिलायबिलिटी जो आपके दोस्ती की थी वो उस इन्फॉर्मेशन के साथ में नहीं है। और दूसरा, आपके पास में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको फॉरवर्ड करने के बारे में कम से कम उसको 5 बार सोचिए, उसको क्रॉस चेक किए बिना फॉरवर्ड मत करिए और गलत इन्फॉर्मेशन के फेर में मत आइए, है ना। तो हम लोग आपको कहना चाह रहे हैं लल्लन टॉप की तरफ से, आप लोग भी जो इंटरनेट पे इसको देख रहे हैं, हम लगातार आपको ये बात कह रहे हैं कि आप फेक न्यूज़ के चक्कर में मत पड़िए। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप आगे भेजते हैं तो उसको कम से कम एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लीजिए, एक मरतबा कहीं और दूसरे सोर्सेज से उसको चेक करने के बाद ही आगे भेजिए। मेरा नाम है विनय सुल्तान और कैमरे के पीछे राशिद, आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर, दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।